ये तो सिनेमा का सभी ट्रेलर शुरू हुआ। सिनेमा जब खत्म होगा ना तब देखेगा तृणमूल खत्म होगा। बंगाल की राजनीति में कभी ममता को माटी से उठाकर सरताज बनाने वाले मुकुल राय ने अपना पाला क्या बदला, बंगाल में ममता के दिन भी बदलने लगे। पार्टी के विश्वस्त नेता एक एक करके ममता का साथ छोड़ रहे हैं। लोकसभा चुनाव के नतीजों के बाद तो मानो ममता पर मुश्किलों का पहाड़ टूट पड़ा हो। ममता की इतनी मेहनत और विरोध के बावजूद बीजेपी ने बंगाल में वो कर दिखाया है जिसकी उम्मीद राजनीतिक पंडितों को भी नहीं थी। ममता की इस हार और बीजेपी के बढ़ते प्रभाव के बाद अब कार्यकर्ता भी पाला बदलने में जुट गए हैं। कल ही पश्चिमी मिदनापुर में टीएमसी के 200 कार्यकर्ता ममता को झटका देते हुए बीजेपी में शामिल हो गए। तो अब खबर यह है कि ममता की सरकार ही गिरने वाली है। जी हां, चुनाव के पहले ही इस बात के कयास लगाए जा रहे थे कि अगर केंद्र में मोदी सरकार की वापसी होती है तो पश्चिम बंगाल में बीजेपी टीएमसी में तोड़फोड़ करेगी, और अब इस खबर पर मुहर भी लगती दिख रही है। बीजेपी के बड़े नेता मुकुल रॉय ने दावा किया है कि बीजेपी की शानदार जीत के बाद टीएमसी में हताशा है और पार्टी के 100 से ज्यादा बड़े नेता और विधायक उनके संपर्क में हैं। उन्होंने ये भी कहा कि राज्य में जल्द ही नया बदलाव देखने को मिल सकता है। ये बातें मुकुल रॉय ने एक निजी टीवी चैनल को दिए इंटरव्यू में कही। मुकुल रॉय ने कहा कि तृणमूल ने 143 विधानसभा सीटों पर जन समर्थन खो दिया है। ऐसी हालत में हारी हुई पार्टी के साथ ये विधायक नहीं रह सकते हैं। कई तृणमूल विधायक उनके संपर्क में हैं और वे जल्द ही बीजेपी से जुड़ जाएंगे। आपको बता दें कि इससे पहले खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने एक चुनावी सभा में कहा था कि टीएमसी के 40 से ज्यादा विधायक उनके संपर्क में हैं। उससे पहले बीजेपी नेता अर्जुन सिंह भी ये दावा कर चुके हैं कि 100 तृणमूल विधायक उनके संपर्क में हैं, और इससे पहले मुकुल राय और कैलाश विजयवर्गीय भी ऐसा ही दावा दोहराते हुए ममता को बंगाल में बर्बाद करने का दम भर चुके हैं। ममता इस चुनाव में खत्म हो जाएंगे, इसलिए वो पुलिस राज चल रहा है। मुकुल दा पश्चिमी बंगाल की राजनीति में एक वो हस्ती है जिन्होंने टीएमसी को शून्य से शिखर तक पहुंचाया, और इसलिए वो इतना कॉन्फिडेंस से कह रहे हैं कि जिसको शिखर तक पहुंचाया उसको शून्य तक लाके खड़ा कर देंगे। तो क्या बंगाल में बीजेपी का भगवा लहराएगा और विधानसभा से ममता को बाहर जाना होगा? वैसे हार से हताश ममता बनर्जी ने कल ही इस्तीफे की पेशकश भी कर दी है। उन्होंने कहा कि वे अब सीएम के पद पर नहीं रहना चाहती है। तो देखना दिलचस्प होगा कि आने वाले दिनों में बंगाल की राजनीति का ऊंट किस करवट बैठता है। ब्यूरो रिपोर्ट, वीके न्यूज़।